आप जो मधुमक्खी पालन कर रहे हो इसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये हमारे मधुमक्खी के डब्बे हैं, इसमें मधुमक्खियाँ रहती है। और ये दिन दिन जब सूरज निकलता है तभी से इनका काम चालू होता है, बाहर से शहद कलेक्ट करना। और ये इनमें छत्ते लगते हैं, उसमें छत्ते में वो कलेक्ट करती है, मतलब ये मधुमक्खियाँ छत्ते कलेक्ट करने का काम करती है और फसलों में पैदावार बढ़ाने का काम करती है। तो भैया आप ये जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं हाँ इसमें जी, छत्ते कैसे हैं और बॉक्स क्या है आप हमें बता पाओगे आप? हाँ बिल्कुल, ठीक है तो ये कैप बताइए। ओढ़ लो आप। जी, आइए बताइए भैया। इधर बॉक्स में जाए, चुकी बॉक्स इधर इधर आ यही जाइए। यही है तो। ये क्या है भैया जो ऊपर रखा हुआ है ये? ये बोरी है, इस पे डालनी पड़ती है। ये है छत्ता, कैमरामैन दिखाइए कि ये छत्ता कैसा है और मधुमक्खियाँ कैसी दिख रही है इसमें। देखो मधुमक्खी अपना काम चालू कर रही है अच्छा इसमें। ये मधुमक्खियाँ काम कर रही, तो ये ये मोम की सीट थी, ऊपर इसने पूरा छत्ता बना दिया है काम करके। काम मतलब ये सीट में अपने आप से ही काम करती रहती है हाँ एक बार डालने के बाद। हाँ एक बार डालने के बाद देखो ये ऐसा पूरा बनाया मधुमक्खी ने। हाँ ये छत्ता लगभग लगभग एक बॉक्स खाने टाइप हाँ का बना दिया गया इसमें। बिल्कुल, कुछ में तो हम देख पा अपने रहे हैं कि घर बना शहद दिए। भी डाल दी इन्होंने, हाँ शहद भी है, ऊपर के इधर शहद रहते हैं, नीचे अंडे रहते हैं। मतलब भैया कहना चाह रहे हैं कि जो छत्ते का जो ऊपर वाला साइड होता है, हाँ मैं पकड़ लूँ इसको, हाँ जी, भैया बताना चाह रहे हैं कि ये छत्ते का जो ऊपर वाला साइड होता है ये वाला, इसमें लगभग 50% पोर्शन के ऊपर टॉप पोर्शन में मधुमक्खियाँ अपना शहद डालती है और नीचे वाले ना डब्बों में पोर्शन में ये अपने बच्चे डालती है, अंडे डालती है, जिसका इसका रिप्रोडक्शन होता रहता है साथ साथ में, मतलब शहद भी मिलती है और इनका रिप्रोडक्शन भी साथ साथ चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया हमने सुना है कि इसमें रानी मक्खी भी रहती है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप हमें थोड़ा सा रानी मक्खी दिखाइए कि कैसी होती है रानी मक्खी। जी, देखिए बिल्कुल दोस्तों इसमें तो रिप्रोडक्शन और शहद दोनों कर दिया गया, आप इसको देख पाएंगे कि ये देख इसमें मधुमक्खियां बहुत सारी है और ऊपर इसमें लगभग शहद डाला हुआ है और नीचे वाले पोर्शन में भी बच्चे डले हुए हैं, तो ये रिप्रोडक्शन प्लस शहद दोनों का काम साथ साथ चल रहा है। ये रही रानी मक्खी, आ जाओ। कैमरामैन देखिए भैया दिखा रहे हैं कि रानी मक्खी कैसे होती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रानी मक्खी है। भैया हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कौन सी रानी मक्खी है इसमें, हाँ ये ये वाला वाली रानी मक्खी है जो साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता है, लंबी रहती है। लंबी रहती है साइज में और ये लगभग रानी की तरह काम करती है। ये रानी मक्खी देख पा रहे होंगे आप, और ये इनके सब लगभग इनके वर्कर नौकर्स की तरह काम करते हैं। ये अपने मेनली बेसिकली अंडे देती है और ये सारा शहद जो इनके वर्कर्स होते हैं वो शहद लाके इसमें डालते हैं। जी बिल्कुल, इसका काम ही वही रहता है रानी मक्खी का कि अंडे डालना, इसका खिलाना पिलाना काम जो ये है वो वर्कर लोग करते हैं। वर्कर लोग करते हैं। ओके भैया तो इस एक बॉक्स से भैया लगभग लगभग आपको कितना शहद मिल जाएगा? 2-3 किलो मिलता है, दो तीन कितने ड्यूरेशन में, कितने ये समय में 2-3 किलो शहद मिल जाता है? 1 महीने में आप 2-3 किलो निकाल सकते हैं। 1 महीने में जैसे भैया बता रहे हैं कि 2 से 3 केजी आप शहद निकाल सकते हैं, तो भैया आप मुझे ये बताइए कि एक बॉक्स से अगर 3 केजी मिल जाता है तो आपके पास अभी प्रेजेंट में कितने बॉक्स है? हमारे पास ये लगभग 300 के करीब बॉक्स है। कैमरामैन दिखाइए कि इनके इनके जो बॉक्स डले हुए हैं 300 बॉक्स डले हुए हैं। तो भैया कह रहे हैं
कि इनके एक बॉक्स से लगभग 3 केजी शहद मिल जाता है, और वर्तमान में इनके पास 300 बॉक्स है। तो दोस्तों आप आइडिया लगाइए कि भैया लगभग 1 महीने में 9 क्विंटल 900 केजी शहद प्राप्त, तो लगभग भैया का इनकम अच्छा खासा बन जाता है। भैया जैसे कि आपने बताया एक बॉक्स से 3 केजी ले सकते हैं, तो क्या इन बॉक्सेस को आप बढ़ा सकते हो जिससे कि आपका मुनाफा ज़्यादा हो जाए? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जो रानी मक्खी रहती है उसका काम ही रहता है वो अंडे डालने का, उसके बाद मक्खी भी बढ़ती रहती है, तो उसके बाद डिब्बे भी हम मतलब बढ़ते रहते हैं। बढ़ते रहते हैं। अच्छा भैया हमें आप ये बताइए कि इन मधुमक्खियों की देखभाल आप किस प्रकार करते हैं? मधुमक्खियों की देखभाल मतलब इसमें वही देखना पड़ता है कि रानी मक्खी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। मतलब छत्ता मतलब मक्खी मांग रही है कि वो देखना पड़ता है कि मक्खी कम हो रही है, वो देखना पड़ता है। इतना ही काम रहता है और ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। तो भैया आप हमें ये बताइए कि मधुमक्खी पालन करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए और उनके किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है? मधुमक्खी बनाने के लिए पहली बड़ी चीज़ है वो बाहर से जो फील्ड रहता है, वो जो फुलोरा रहता है, वो बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। वो ढूंढना एक बड़ा टारगेट रहता है, वो जो अच्छा मिलेगा तो मधुमक्खी अच्छा काम कर सके। और इसके लिए डब्बे लगते हैं, छत्ते लगते हैं और मक्खी लगती है। अच्छा, तो मतलब ये डब्बे, छत्ते और मक्की, ये मार्केट से हमें खरीदना पड़ेगा, ठीक जी बिल्कुल है? और ये हमें ऐसी फील्ड का सिलेक्शन करना होगा जहाँ फ्लावर्स फूल ज़्यादा हो, ज़्यादा हाँ मात्रा में हो, बिल्कुल। ठीक है? अच्छा हमें आप ये बताइए कि मधुमक्खी पालन में किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मधुमक्खी पालन में पहली बड़ी चीज़ है वो माइग्रेशन, मतलब इधर से डब्बे दूसरी जगह पे जिधर फील्ड रहता है, जिस ज़्यादा फ्लोरा रहता है उधर लेके जाना, ये बड़ा टारगेट है। मतलब ये सारा हमारा जो रहने खाने का है, जो बॉक्स है, वो सब गाड़ी में भर के हमें दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है। और ये जो बॉक्स रहते हैं वो रात के समय ही भरना पड़ता है, क्योंकि दिन में मक्खी बाहर जाती है, जब ये बाहर आती है तब ये भरना पड़ता है रात के समय में। भैया का कहना है कि ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है फूल, जहाँ फूल होंगे वहीं बॉक्स रखे होंगे, वहीं से शहद बिल्कुल प्राप्त होगा। दूसरी बात, जब अगर ये की जगह से दूसरी जगह डब्बों को शिफ्ट करना होता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि फूलों का एक निश्चित सीजन होता है, सरसों का फूल एक अपने समय पर आता है, इसके बाद अगर आप देखिए तो किसी दूसरी फसल का फूल वो अलग समय पर आते हैं। ये यहाँ स्पेशली तुलसा की फसल फूलों के लिए आए हैं, ये तुलसा का सीजन है इस टाइम। तो अगर इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, तो जो मधुमक्खी का डब्बे उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, वो रात के समय करते हैं। इसका कारण ये है कि दिन के समय मधुमक्खियाँ फूलों से शहद लेने के लिए बाहर जाती है, और वो रात के समय अपने छत्ते में वापस आके बैठ जाती है, बिल्कुल और जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह इनका मूवमेंट आसानी से हो जाता है।